देश में प्याज की बढ़ती कीमतें हर बार बड़ा मुद्दा बनती जा रही हैं। इस बार प्याज की कीमतें देशवासियों को परेशान नहीं करें और मुद्दा नहीं बने, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक खास तैयारी कर ली है। देश में प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इस वर्ष 2022-23 में किसानों से 2.5 लाख टन प्याज की खरीद की है और बफर स्टॉक बना लिया है। बफर स्टॉक रहने का फायदा ये लोगों की, जैसे ही देश में प्याज की खुदरा कीमतों में उछाल आएगा, सरकार उस स्टॉक को बाजार में उतार देगी। इससे प्याज के दाम को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। वही सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में प्याज का उत्पादन 3.17 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि एक साल पहले ये 2.66 करोड़ टन था। वही खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए केंद्र ने वर्ष 2022-23 में बफर स्टॉक के लिए 2.50 लाख टन प्याज की खरीद की है। चालू वर्ष में प्याज के बफर स्टॉक का आकार 2021-22 के दौरान बनाए गए 2 लाख टन से 50,000 टन अधिक है। वर्तमान में रबी फसल प्याज की खरीद भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नाफेड द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे प्याज उत्पादक राज्यों में किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO के माध्यम से की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि स्टॉक को लक्षित खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से जारी किया जाएगा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में और सरकारी एजेंसियों को खुदरा दुकानों के माध्यम से कम आपूर्ति वाले दिनों के दौरान कीमतों को कम करने के लिए दी जाएगी। वहीं सरकार द्वारा तैयार किया गया प्याज का बफर स्टॉक अगस्त से सितंबर के बीच बाजार में लाया जाएगा, जब त्यौहार सीजन चल रहा होता है। साथ ही बाजार में नए प्याज की आवक कम होती है, इस दौरान प्याज की मांग भी अधिक रहती है। वहीं मंत्रालय के मुताबिक केंद्र द्वारा बनाए गए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री उन राज्यों और शहरों में की जाएगी जहाँ पिछले महीने की तुलना में कीमतों में अधिक उछाल देखने के लिए मिल रहा है। वहीं इन शहरों से राज्यों में खुदरा बाजार भाव में प्याज की बिक्री की जाएगी ताकि उन शहरों या राज्यों में प्याज की कीमतों पर नियंत्रित किया जा सके। इसका फायदा आम जनता को होगा क्योंकि उन्हें प्याज के लिए अधिक कीमत नहीं देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।